hello everyone how are you all i hope you all are good today in this video i explain you your science chapter and the name of your chapter is a look at animals so in this chapter i explain you different different types of animals Like water animals, land animals, wild animals. So children, now let's start your chapter a look at animals. Animals are seen everywhere. हर तरफ हमें क्या दिखाई देते हैं animals दिखाई देते हैं आपके जो animals हैं वो आपको everywhere हर जगह दिखाई देते हैं सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड कुछ एनिमल्स आपको लैंड में दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स उन्हें हम क्या कहते हैं लैंड एनिमल्स जो एनिमल्स आपको लैंड में ज़मीन में दिखाई देते हैं वो हमारे लैंड एनिमल्स होते हैं सम एनीमल्स आर बिग सम आर स्मॉल कुछ एनिमल्स आपके बिग होते हैं कुछ आपके स्मॉल होते हैं एज यू कैन सी In this picture, giraffe is a big animal, and elephant is also a big animal. But in this picture, deer and cat is a small animal. So, animals are big and small. Next is wild animals. अब वाइल्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं देखिए एनिमल्स विच लीव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स एग्जाम्पल टाइगर एंड लॉयन जो जानवर आपके जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर जैसे कि टाइगर और लॉयन लेपर्ड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स नेक्स्ट इज पैट एनिमल्स नाउ वट आर पैट एनिमल्स एनिमल्स विच लीव विद अस आर कॉल्ड पैट एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल कैट डॉग पैरट रैबिट जो जानवर हमारे साथ रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पैट एनिमल्स लाइक रैबिट हो गया आपका पैरट डॉग एंड कैट these are the examples of pet animals because they live with us. next is milk animal. now what are milk animals? some animals give us milk. they are called milk animals. जो animals हमें milk देते हैं, दूध देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? milk animals. जैसे कि आप example देखिए cow, goat बफलो इन सब से हमें क्या मिलता है मिल्क मिलता है दूध मिलता है डैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल नेक्स्ट टॉपिक इस एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स को हम लोग वाटर एनिमल्स भी कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो आपके वाटर मतलब पानी में रहते हैं एज यू कैन सीन द पिक्चर दे आर डिफरेंट डिफरेंट वाटर एनिमल्स लाइक फिश ऑक्टोपर्स सम एनीमल्स लिव इन वाटर कुछ एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं दे डाइव एन दे आर टेकन आउट और जो एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं वो मर जाते हैं अगर आप उन्हें पानी से बाहर निकाल दो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल फिश एंड ऑक्टोपज अगर आप इन एनिमल्स को पानी से बाहर निकाल देते हो तो ये मर जाते हैं और जो एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं वो आपके एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं एग्जाम्पल है आपके फिश और ऑक्टोपस फिश और ऑक्टोपस आपके वाटर एनिमल्स मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियंस नाउ व्हाट आर एम्फीबियंस सम एनिमल्स कैन लीव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर कुछ एनिमल्स आपके लैंड और वाटर दोनों ही जगह रह सकते हैं सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस तो जो एनिमल्स आपके लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं ऐसे एनिमल्स को हम एफीबियंस कहते हैं जैसे कि आपके एग्जाम्पल हैं टोटोटॉइस फ्रॉग और क्रोकोडाइल एज यू कैन सीन द पिक्चर क्रोकोडाइल टोटोटॉय फ्रॉग सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस बिकॉज दे बोथ लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर या आपके लैंड और वाटर दोनों ही जगह रह सकते हैं इसीलिए ये एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स बर्ड्स मीन्स चिड़िया बर्ड्स आर एनिमल्स डेट कैन फ्लाई बर्ड्स आपकी वो एनिमल्स हैं जो फ्लाई कर सकती हैं उड़ सकती हैं विंग्स हेल्प दैम टू फ्लाई उन्हें आसमान में उड़ने में कौन मदद करता है विंग्स सम बर्ड्स लाइक डग कैन स्विम इन वाटर कुछ बर्ड्स आपकी पानी में स्विम करती हैं, तैरती हैं जैसे कि डक मीन्स बथक क्रोस पैरो पैरट ये सब आपकी क्या है बर्ड्स के नेम है। लेकिन जो बर्ड आपकी स्विम करती है वो कौन सी बर्ड है तो फ्लाई करते हैं ओके एंड इज अ पॉइंट लेट सी ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई ऑस्ट्रिच आपकी बर्ड तो है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकती है वो ऊपर उड़ नहीं सकती है नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्ट्स नाउ सी वॉट आर इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स इंसेक्ट्स आपके स्मॉल एनिमल्स होते हैं दे हैव सिक्स लेग्स इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं सिक्स सम इंसेकट्स हैव विंग्स कुछ इंसेक्ट्स के तो विंग्स भी होते हैं विंग्स हेल्प दैम टू फ्लाई विंग्स उन्हें फ्लाई करने में मदद करते हैं उड़ने में मदद करते हैं इंसेक्ट्स ले एग्स और जो इंसेक्ट्स हैं वो अंडे भी देते हैं लाइक एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स बटरफ्लाई मॉस्किटो एंड कॉकरोच ये सब आपके इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं हाउस फ्लाई हनी बी दीज आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स नाव हनी बी हनी बी कलेक्ट्स हनी फॉर अस हनी बी का काम क्या होता है हमारे लिए हनी को मतलब शहद को इकट्ठा करना हनी बी मीन्स मधुमक्खी तो मधुमक्खी का, का काम क्या होता है हनी को कलेक्ट करना शहद को जमा करना उसी इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीजेज आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या फैलाते हैं बीमारियां फैलाते हैं लाइक आप यह पिक्चर में देख रहे हैं ये स्ट्रीट फूड है ये इन्होंने गली में एक ठेली लगा रखी है ठीक है flies contain germs stick to their bodies which cause disease अब यहाँ पे जो ये street food है ये open है ढका हुआ नहीं है तो इसके ऊपर पूरी flies लगी हुई है पूरी मक्खियाँ लगी हुई हैं तो जो ये flies होती है मक्खियाँ होती हैं इनकी body में क्या होता है germs stick होता है ठीक है कीटाणु चिपके हुए होते हैं तो ये जिस भी खाने में बैठते हैं वहाँ पे germs चले जाते हैं अगर आप वो खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे ठीक है आपको बीमारी हो जाएगी नाउ सी इट्स अ पिक्चर ऑफ सेकेंड स्ट्रीट फूड ये भी आपका स्ट्रीट फूड है लेकिन पहले वाले स्ट्रीट फूड में और इसमें क्या फर्क है जो आपकी फर्स्ट पिक्चर थी स्ट्रीट फूड की वो उसमें जो फूड है वो आपका ओपन है ठीक है वो हर जगह से आपका ओपन है उसमें फ्लाइज बैठी हुई हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे खा के हम बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि फ्लाइज बैठी हुई है ये भी आपका स्ट्रीट फूड है लेकिन ये क्लोज है ये आपके देखो उन्होंने एक कांच का जो बर्तन है उसके अंदर रखा हुआ है कवर करके ढक कर रखा हुआ है तो अगर आप इस स्ट्रीट फूड को खाओगे भी तो आप बीमार नहीं पड़ोगे दस ईट क्लीन हेल्दी एंड कवर्ड फूड इसीलिए हमें हमेशा साफ स्वस्थ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए हमेशा हमें क्लीन हेल्दी और कवर्ड फूड खाना चाहिए ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे लिए क्या हो हेल्दी हो क्लीन हो और कवर्ड हो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो क्या हो डाटी हो अनहेल्दी हो और अनकवर्ड हो क्योंकि ऐसा खाना खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ओके so children this is your chapter a look at animals in this chapter i explain you different different types of animals like land animals water animals amphibians birds insects so i hope you understand your chapter a look at animals very clearly till then thank you so much everyone bye bye